जी डॉक्टर तिवारी, जैसे अभी आप कह रहे थे कि एक कोविड पोस्ट कोविड पेशेंट को मुंह की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, तो ये बताइए कि कैसे एक पोस्ट कोविड पेशेंट अपने मुंह की साफ़ सफाई रखे। देखिए मैम, एक कोविड जो एक प्रॉब्लम है, ये कोविड का जो मैनिफेस्टेशन होता है, मान लीजिए पेशेंट जब कोविड में इन्फेक्शन कहीं से वो लेके आया, तो सबसे पहला पहला जो साइन और सिम्टम्स के मुंह में आ जाता है, जो उसको हम लोग बहुत ही नजरअंदाज कर देते हैं, खासतौर से एसिम्टोमेटिक पेशेंट में जिनमें कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा है, तो उनका मुंह सूखना, उनका टेस्ट गायब हो जाना, अल्सर हो जाना, ब्लड ब्लीडिंग वगैरह होना। अब पेशेंट जो कोविड में हो गया और कोविड से रिकवर कर रहे हैं धीमे धीमे, तो उनके लिए बेसिक क्या होता है कि ये पाया गया है कि अगर कोविड के दौरान पहले स्टार्टिंग के जो 5 दिन होते हैं उसमें पेशेंट अपनी ओरल हाइजीन बहुत अच्छी तरीके से रखे, तो अपने वायरल लोड को वो काफी हद तक कम कर सकता है। इवन ये पाया गया है कि अराउंड 30% पेशेंट 5th डे में अगर हैं, उन्होंने ओरल हाइजीन अच्छी रखी है, वो सीरियस होने से, एडमिट होने से बच जाते हैं अगर उन्होंने अपनी ओरल हाइजीन अच्छी रखी है। फिर जो वायरस होता है वो अपनी ओरल कैविटी, ओरल फेरिंक्स में अपनी जगह बना देता है। जब वो जगह बनाता है अपनी, तो धीमे 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 वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और धीमे धीमे अपने वो अंदर जाके लंग्स में और स्पेस बनाता है। वो उसी जो स्टार्टिंग के 5 दिन है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, हमारे पास 2 ही 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, पोविडीन आयोडीन माउथ वॉश, दूसरा क्लोरेक्सिडीन माउथ वॉश। अगर ये हम माउथ वॉश हम लोग दिन में 3 से 4 बार हल्के से गुनगुने पानी में डाल के करें, तो हम अपने वायरल लोड को 30-40% कम कर सकते हैं और सीरियस होने से बच सकते हैं। अब रही बात 5 to 7 डेज में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हमारा डे आगे बढ़ रहा है, हमारा फीवर उतर गया और हमारा नॉर्मल पे हो रहे हैं, तब भी क्या होता है कि हमारा जो इन्फ्लेमेटरी एक्शंस बॉडी में हो रहे होते हैं और हमारा साइटोकाइंस लेवल बढ़ रहे होते हैं, उससे भी क्या होता है, ओरल मैनिफेस्टेशन हो आता है, मतलब धीमे धीमे हमारे जो मसूड़े होते हैं वो काफी ज्यादा सूज जाते हैं। ये प्रॉब्लम सब में नहीं होती है, लेकिन काफी हद तक लोगों में होती है, क्योंकि हम लोग का ध्यान सारा फीवर, खांसी, सांस फूलने, SpO2 पे रहता है, तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मतलब तो हम लोग अगर प्रॉपर अपने मसूड़े की देखभाल करें, अब मसूड़े की देखभाल कैसे करें, एक आता है क्लोरहेक्सिडीन मेट्रोजेल जेल, उसको प्रॉपर मसूड़ों पे मालिश करें, जिससे भी उसमें भी जितने भी एक्सुडेट्स डेवलप हो रहे हैं वो आपके निकल जाएं और उसे माउथवॉश से मेंटेन रखें। मतलब ब्रश आपका है ही, टंग क्लीनर जो बहुत कम लोग यूज करते हैं उसको भी प्रॉपरली यूज करना अच्छा है। और कोविड के दौरान अपने आपके जो पर्सनल एड है, जैसे आपका ब्रश है, जैसे आपका टंग क्लीनर है, उसको कैसे आप दूसरे लोगों से मिक्स ना होने दें, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इवन आपका जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट ऐसे मतलब छोटी छोटी फैमिलीज होती हैं, उस फैमिली में एक ही वॉशरूम होता है, अब सब लोग उस वॉशरूम को यूज कर रहे हैं और ये गाइडलाइन है कि भाई जो कोविड पेशेंट है वो आखिरी में जाके यूज करें। अब उसका जो ब्रश है, बाकी जो लोगों के साथ ब्रश भी रखा हुआ है, इवन वो कोविड से रिकवर कर गया है, तो क्या होता है कभी कभी जो जो हमारा नॉन कोविड पेशेंट है घर का, वो कोविड के ब्रश आपस में मिल जाने से इंफेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। एक और पॉइंट है पेस्ट ट्यूब, मैक्सिमम सबके घर में क्या होता है, एक ही ट्यूब से सब लोग निकालते हैं और वो करते हैं, तो ट्राई टू जिस जो कोविड पेशेंट है वो अपना पेस्ट ट्यूब को भी अलग करे, अपने ब्रश को भी अलग रखे। मतलब